उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपना यूथ मैनिफेस्टो जारी किया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। दोनों ने ही मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश और यूपी की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। यूपी के युवाओं के भविष्य के लिए कांग्रेस के खोखले शब्द नहीं बल्कि एक रणनीति है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये मैनिफेस्टो कांग्रेस की आवाज नहीं है, हमने यूपी के युवाओं से बात करके उनके विचार शामिल किए हैं। 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है, सच्चाई देश को दिख रही है। ये सब क्यों हो रहा है, सबको दिख रहा है। यूपी के युवाओं को नए विजन की जरूरत है, हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि रोजगार हम आपको कैसे और किस प्रकार से दिलाएंगे, यह सब हमने इस मैनिफेस्टो में लिखा है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के युवाओं के साथ बात की है और जो उनके विचार हैं वह हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जिले जिले में युवाओं से बात की। भारतीय विधान बनाने के लिए नेताओं कार्यकर्ताओं ने युवाओं से बात की, युवाओं की समस्याओं को समझा। भर्ती विधान कहने का मकसद है कि यूपी में सबसे बड़ी समस्या भर्ती की है। यूपी में लोग त्रस्त हैं, रोजगार नहीं मिलते हैं। हम वादा करते हैं कि पेपर लीक को रोका जाएगा, पेपर लीक हुआ तो कड़ी सजा होगी, परीक्षा के लिए यात्रा भी फ्री होगी। युवा परेशान हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, युवाओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि 20 लाख सरकारी नौकरियों में 1.5 लाख प्राथमिक विद्यालय में खाली हैं, माध्यमिक में 38,000, उच्च में 8,000, डॉक्टरों के 6,000, पुलिस के 1 लाख का पद खाली है, 20,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के 27,000 पद खाली हैं, संस्कृत विद्यालय में 2,000 पद खाली हैं। इसके लिए एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा जिसमें परीक्षा की तारीख, रिजल्ट की तारीख और नियुक्ति की तारीख होगी, उल्लंघन होने पर कार्रवाई होगी। प्रियंका ने आगे भी बताया कि सिंगल विंडो स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया जाएगा, अति पिछड़ों को 1% के ब्याज पर 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। ड्रग्स की समस्या के लिए काउंसलिंग कैंप्स लगेंगे, युवा फेस्टिवल, विश्व स्तरीय क्रिकेट अकेडमी और बाकी खेलों की अकेडमी खोली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।